बहुत ही टेस्टी इंस्टेंट डोसा, उसके साथ साथ ग्रीन चटनी भी बनाऊंगी। तो आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए। मैं आखिर में एक सवाल पूछूंगी कि मैंने एक छोटी सी गलती की है इस रेसिपी में, वो आपको बतानी पड़ेगी। तो ध्यान से देखिए ये रेसिपी। तो इंस्टेंट डोसा बनाने के लिए हमें चाहिए मीडियम साइज बाउल रवा, मूंग दाल, उड़द दाल बाउल और 2 बाउल राइस, उसके साथ व्हीट फ्लोर एक छोटी। अब हम रवा लेंगे और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। हमने ब्लेंड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे व्हीट फ्लोर, जो छोटा बाउल भर के हमने लिया था वो अब हम इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हम लेंगे एक छोटा बाउल राइस, इसे भी हमें अच्छे से ब्लेंड करना है। हमने ये भी ब्लेंड कर दिया है। अब हम उड़द की दाल लेंगे और इसे भी ब्लेंड कर देंगे। उड़द की दाल ब्लेंड हो चुकी है। अब जो मूंग की दाल हमने ली थी, हम उससे जो है तो उसे हम कुकर में डाल देंगे दाल बनाने के लिए। अब यह जो मिक्सचर हमने बनाया है उसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच विनेगर। नमक, 2 छोटे चम्मच नमक लेना है। उसके बाद थोड़ा सा खाने का सोडा लेना है, एकदम थोड़ा सा, 1 पिंच। अब जो है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरम तेल। तेल बहुत ही ज़्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए। और इंस्टेंटली मैंने इसमें ऐड कर दिया है पानी, जो 1 ग्लास है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि हम डोसा बना रहे हैं तो इसकी कंसिस्टेंसी हमें पोरिंग रखनी है। आप पानी जो है अपने हिसाब से डाल दीजिए। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है, पोरिंग कंसिस्टेंसी है। अब हम बनाएंगे इंस्टेंट डोसा। तो मैंने ये तवे पे डाल दिया है। बहुत ही अच्छे डोसे बनते हैं इससे और टेस्ट बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होता है, बहुत टेस्टी होते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और मैंने जैसे शुरुआत में आपको बताया था कि मैं कुछ भूल गई हूँ शायद, तो आपको मुझे बताना है कमेंट में कि मैं इस रेसिपी में क्या भूली हूँ। अब हम बनाएंगे ग्रीन चटनी, जो डोसे के साथ बहुत अच्छे जाती है। तो उसके लिए मैंने लिया है नारियल, हरा धनिया, ग्रीन चिली और साथ में मिंट की पत्तियाँ। तो ये आप देख सकते हो हमारा डोसा कितना अच्छे से पक चुका है। इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी के डोसे भी बना लेंगे। अब जो है हम ग्रीन चटनी के लिए ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं थोड़े थोड़े काट लेंगे, ताकि ग्राइंडिंग करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना लगे, ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो मैंने थोड़ी सी मिर्चियाँ भी काट ली है। अब ये सब हम ब्लेंडर में डालेंगे और अच्छे से बारीक ब्लेंड कर लेंगे। अगर हम ज़्यादा मिंट इसमें डालते हैं तो मिंट का बहुत ज़्यादा फ्लेवर आता है, तो इसलिए मिंट की पत्तियाँ मैंने थोड़ी सी ही ली है। यहाँ पे हमारे डोसे बन रहे हैं। जब तक हमारा ब्लेंडिंग होता है तब तक हम डोसे बना लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी है, आप ज़रूर ट्राई करिए। हमारे डोसे बनके तैयार हो गए हैं और हमारी ग्रीन चटनी जो है वो भी तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, 1 छोटा चम्मच नमक, और साथ ही में मैंने इसमें ऐड किया है चाट मसाला। चाट मसाला अगर आप चाहे तो डालें या फिर आपकी मर्ज़ी। थोड़ा सा पानी और एक बार फिर थोड़ा सा ब्लेंड करने के बाद ये चटनी कुछ इस तरीके से दिखती है और
बहुत ही टेस्टी है, आप ज़रूर ट्राई करिए ये डिश। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मैं ऐसी ही टेस्टी हेल्दी रेसिपीज लेकर आती रहती हूँ। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। मिलते हैं अगली टेस्टी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।